मेरी पिछली वीडियो में हमने UAPA पर बात की थी। आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया और मैं आशा करता हूँ कि आपको उस वीडियो से काफ़ी जानकारी भी मिली होगी। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में UAPA का एक अमेंडेड वर्जन अपुआपा किस तरह से राज्य को असर कर रहा है। नमस्कार, दरअसल इस वीडियो को मुझे आपके लिए 2 वीक्स पहले लेकर आना चाहिए था, पर कुछ पर्सनल और सोशल कमिटमेंट्स के चलते थोड़ा लेट हो गया, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और वीडियो को स्किप किए बगैर अंत तक जरूर देखिएगा। अपुआपा आज एक ऐसा टर्म है जो लगभग अरुणाचल प्रदेश में हर किसी के जुबान पर है। यह कानून जो UAPA का एक रूप है तब चर्चे में आया जब इसके तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 44 लोगों को डिटेन किया था, जो इस मुद्दे से महरूम है। उन्हें बता दें कि उन 44 लोगों को दी इनफेमस अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीकेज के विरोध में प्रदर्शन करते वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस गिरफ्तारी में सोल दोदुम के साथ कई अन्य सोशल एक्टिविस्ट्स और साथ में कई एजिटेटिंग एस्पायरेंट्स भी गिरफ्तार हुए थे। मैंने इस मुद्दे पर पहले ही कई एपिसोड्स बनाए हैं, अगर आप इसके जड़ तक जाना चाहते हैं तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। आज हम अपने डिस्कशन को अपुआपा यानी अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014 पर सीमित रखेंगे। हम जानेंगे ये कानून कब अरुणाचल में लाया गया, इसका मकसद दरअसल क्या था, इसमें किस तरह के प्रावधान हैं और किस तरह से इसने अरुणाचल प्रदेश पर असर किया है। इस कानून को लेकर यानी अपुआपा को लेकर कैपिटल DC तालो पोतम भी बहुत टारगेटेड है। उन्हें सोशल मीडिया में लोग अपुआपा डिप्टी कमिश्नर बुलाते हैं, लेकिन क्या जस्टिफाइड है? अगर समय रहा तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक स्किप के बगैर जरूर देखिएगा। अपुआपा को 2014 में अरुणाचल प्रदेश में लाया गया था। इसे लाने का मकसद था अरुणाचल प्रदेश के बंद कल्चर पर लगाम देना। जैसे कि आपको पता है ये स्टेट UAPA है, तो क्या सेंटर के UAPA के रहते स्टेट अपना UAPA लागू कर सकता है? बिल्कुल, हमारे संविधान में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और लॉ एंड ऑर्डर हमारे संविधान की स्टेट लिस्ट का आइटम है। तो स्टेट्स इस पर अमेंडमेंट्स और चेंजेस अपनी तरफ से ला सकते हैं। अपुआपा को 2014 में इम्प्लीमेंट कर एक कम्युनिटी के कुछ एजिटेटिंग मेंबर्स को इस एक्ट के तहत बुक किया गया था। फिर इस एक्ट की ज़्यादा बाद में चर्चा नहीं हुई, मानो ये कभी था ही नहीं। इसका मेन रीज़न था लोगों को इसके बारे ज़्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जब इस साल मई महीने में सोल दोदुम सहित 44 लोगों को अपुआपा के अंदर गिरफ्तार किया गया तो ये एक्ट लोगों के नज़र में फिर आया। बीच में एक अंडरएज लड़की को भी इस एक्ट के तहत डिटेन किए जाने की बात भी उठी थी। खैर, ये और एक मुद्दा है, हम इस पर किसी और एपिसोड में बात करेंगे। आज हम अपुआपा को समझेंगे। अपुआपा को 5 सितंबर 2014 को अरुणाचल प्रदेश के ऑनरेबल गवर्नर का असेंट मिला और 8 सितंबर 2014 से ये इस स्टेट में लागू हुआ। फिर एक कम्युनिटी के कुछ एजिटेटिंग मेंबर्स इसके अंदर बुक भी हुए। इस डिटेंशन की डिटेल्स मैं कलेक्ट नहीं कर पाया, अगर कभी कलेक्ट हुआ तो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। और अगर आपको कोई आइडिया है इस बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं शायद सोल दोदुम और उनकी टीम वो पहले लोग नहीं हैं जिन्हें अरुणाचल प्रदेश के इस लॉ के तहत बुक किया गया है। उनका अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा बाद में। चलिए अभी अपुआपा के रियल प्रोसीजर को ज़रा समझते हैं। सबसे पहले अपुआपा कुछ ऐसे लोगों को क्लासीफाई करती है जिन्हें इसके तहत बुक किए जा सकते हैं, इनके तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। तो चलिए उन लोगों को ज़रा समझते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट को देखते हैं और फिर एक एक कर हम समझेंगे कि कहीं जाने अनजाने में हम अपुआपा के गुनहगार तो नहीं। तो यह है लिस्ट, आइए पहले इन्हें जाने। अपुआपा ने सबसे पहले बुटलेगर को डिफाइन किया है। दरअसल बुटलेगर जो है ये टर्म बुट से ओरिजिनेट हुआ है, जो बुट्स हम पहनते हैं, जो लोग अपने बुट्स में चीज़ों को छुपा कर स्मगल करते हैं, ये टर्म उनकी इन एक्टिविटीज से ओरिजिनेट हुआ है। जो मूवीज म्यूजिक वगैरह पायरेट करते हैं ना, जो पायरेसी में इन्वॉल्व थे, उन्हें भी जनरली बुटलेगर ही कहा जाता है। अपुआपा में लेकिन स्पेसिफिकली बुटलेगर उन लोगों को माना जाएगा जो किसी भी तरह से निर्धारित कानून का उल्लंघन कर शराब या कोई भी नशीली पदार्थ बनाते हों, या अपने पास एक अनुमान से ज्यादा रखते हों, या ट्रांसपोर्ट करते हों, या ऐसे लोगों का किसी भी तरह से समर्थन करते हों या मदद करते हों, तो ऐसे लोग बुटलेगर कहलाएंगे और अपुआपा के तहत ऑब्वियसली वे बुक किए जा सकते हैं। इसका मतलब समझते हैं, जो लोग बिना लाइसेंस के अपने घरों में या दुकानों में किसी तरह के नशीली पदार्थ, नशीली चीज़ या शराब जैसी चीज़ों को किसी को देने के लिए या बेचने के इरादे से रखते हैं, तो उन्हें भी अपुआपा के तहत बुक की जा सकती है। दूसरा, हैबिचुअल डिप्रेडेटर ऑफ एनवायरनमेंट। ये ऐसे लोगों को माना गया है जो आमतौर पर कमर्शियल बेनिफिट के लिए लकड़ियों की तस्करी करते हों, नदी से गैरकानूनी तरीके से बालू उठाते हों,
पत्थर उठाते हों या किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हों। हालांकि इसमें हंटिंग टर्म एक्सप्लिसिटली यूज नहीं किया गया है, पर मैं ऐसा मानता हूं इसमें इलीगल हंटिंग भी शामिल होगी, तो ऐसे लोग अपवापा के तहत बुक होंगे। तीसरा है हैबिचुअल ड्रग ऑफेंडर। अगर कोई भी ड्रग्स की एक्टिविटी से जुड़े पकड़े जाते हैं तो उन्हें भी अपवापा के तहत बुक की जाएगी। चौथा है इमोरल ट्रैफिक ऑफेंडर। ये वो गाड़ियों वाला ट्रैफिक नहीं है कि आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दें और आप अपवापा के अंदर बुक हो जाओ। एक्चुअली दिस रिलेट्स टू इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन एस्पेशली कवर्ड अंडर इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, जो कहता है कोई भी एडल्ट अगर जिस्म फरोशी में शामिल पाए जाते हैं, खास करके जहां लोग इस कार्य के लिए बेचे जाते हों, तो ऐसे लोगों को भी अपवापा के अंदर बुक किया जाएगा। एनीवे, ना प्रोस्टिट्यूशन अभी इंडिया में लीगल है और मैंने इस पर भी अपने 75th एपिसोड में डिटेल में बात की है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। पांचवा है अनलॉफुल पर्सन। अनलॉफुल पर्सन ऐसे लोगों को माना जाएगा जो किसी भी ऐसी एक्टिविटी का किसी भी तरह से समर्थन करते हो जिसे स्टेट ने इलीगल डिक्लेयर किया हो। ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने वाले को भी अनलॉफुल पर्सन घोषित किया जाएगा, जो पब्लिक ऑर्डर को भंग करते हो या किसी भी तरह के पब्लिक तक पहुंचने वाले सप्लाईज और सर्विसेज पर रोक डालते हो। इसका मतलब समझे आप? इसका सीधा सा मतलब है कि आप अगर बंद कॉल में शामिल होते हो जहां पब्लिक ऑर्डर बिगड़ती है या सर्विसेज एंड सप्लाईज भंग होते हो, तो भी आप अपवापा के गिरफ्त में आराम से आ सकते हो। छठा है डेंजरस पर्सन। ये ऐसे लोगों को कहा जाएगा जो लगातार 3 साल तक आईपीसी के चैप्टर 16 या चैप्टर 17 के अंदर या चैप्टर 5 ऑफ एक्ट 1959 के अंदर पनिशेबल क्राइम्स कमिट करते हों। अब समझिए ये क्या कहते हैं। आईपीसी 1860 का चैप्टर 16 कवर करता है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, सेक्शन 299-377। इसके अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, suicide, attempt to suicide, abetment to suicide, hurt, grievous hurt, rape, kidnapping, etc. जैसी चीजें कवर होती हैं। चैप्टर 17 के अंदर आता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कवर्ड अंडर सेक्शन 378-462। इसमें थेफ्ट, एक्सटोर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, चीटिंग, ट्रेसपासिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कवर होती हैं। अगर इन सब पर डिटेल में अगर वीडियो बनाऊं ना, तो आराम से 8-10 एपिसोड्स निकल आएंगे। पर इन कंसेप्ट को हम अपने वकीलों के लिए, अपने लॉयर्स के लिए छोड़ देते हैं, वरना वकीलों की मार पड़ेगी मुझे। अच्छा, इस रिसर्च के दौरान मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिली। एक सवाल है, वो कौन सा क्राइम है जिसे कमिट कर दिया तो सजा से बच जाओगे और अगर कमिट नहीं कर पाए तो सजा होगी, पता है आपको? इसके आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा, थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं। चलिए फिलहाल अपने टॉपिक को वापस आते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और डेंजरस पर्सन के चैप्टर 5 ऑफ एक्ट 1959 को देखते हैं। चैप्टर 5 ऑफ एक्ट 1959 डील्स विद इलीगल पोजीशन एंड डीलिंग ऑफ आर्म्स। मतलब अगर गैरकानूनी तरीके से कोई आर्म पोजेस करते हो तो भी वन इज लायबल टू बी बुक्ड अंडर अपोआपा। अपोआपा के सातवें कैटेगरी के क्रिमिनल लिस्ट में है प्रॉपर्टी ग्रैबर। ये ऐसे लोग हैं जो अपने से या किसी और की तरफ से सरकारी संपत्ति पर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई करते हो, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। यानी अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट क्वार्टर के प्लॉट में, गवर्नमेंट क्वार्टर के किसी प्लॉट के अंदर अपने रेंट हाउस बनाते हो या इस तरह के कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हो, तो वो भी अपोआपा के तहत बुक की जा सकती है। यहां तक कि ऐसे लोगों की फाइनेंशियली मदद करने वालों को भी अपोआपा के दायरे में लाया जा सकता है। सो वन मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। इन सब के अलावा यहां और एक टर्म जोड़ा गया है, अनलॉफुल एक्टिविटी। इसमें उन सारे एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया है जो किसी भी तरह से पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ को, इकोलॉजिकल सिस्टम, डेली सप्लाईज ऑफ एसेंशियल सर्विसेज या सीआरपीसी 144 के कानून का उल्लंघन करते हो। इन सारे एक्टिविटीज को अनलॉफुल एक्टिविटी माना गया है और जो भी इन एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करते हो उन्हें भी अपवापा के तहत बुक किया जा सकता है। तो अभी चलिए आइए देखते हैं किस तरह से यहां गिरफ्तारी का प्रावधान रखा गया है। मतलब क्योंकि ये नॉर्मल सीआरपीसी नहीं है, आईपीसी नहीं है, तो यहाँ अपवापा में गिरफ्तारी के प्रोसीज्योर भी थोड़ा अलग होंगे। तो ऐसे में, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, मैंने यूएपीए पर अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी बातें बताई हैं, उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। अपवापा में गिरफ्तारी के लिए यूं ही कोई भी पुलिस वाला जाकर किसी को भी उठा नहीं सकता,
इसके तहत गिरफ्तारी के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सेक्रेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट, सेक्रेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट हाँ, इसके रैंक का कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर अगर कन्विंस्ड हो कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी अपोआपा के दायरे में आता है, तो वो ऑफिसर उस पर्टिकुलर ग्रुप या इंडिविजुअल के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर जारी कर सकता है। और पहले बताए गए जितने भी सारे इंडिविजुअल्स थे या ग्रुप्स थे वो सारे बुक हो सकते हैं। Provided that the officer carrying out such a detention order according to the subsection 1 of section 3 intimates the state government of the grounds of detention. और ऐसे कानून 12 दिन तक ही लागू रहेगा राज्य सरकार अगर ऐसे अप्रूवल नहीं देती है तो। मतलब राज्य सरकार के अप्रूवल के बगैर भी इंडिविजुअल्स या ग्रुप 12 दिन तक के डिटेंशन में आराम से रखा जा सकता है। इसके सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 और सेक्शन 8 के तहत गिरफ्तारी के कम से कम 5 दिन तक या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उनको उनकी गिरफ्तारी का कारण बताया जाना होगा। मतलब कोई भी इंडिविजुअल 10 दिन तक बिना कोई कारण जाने डिटेंशन में आराम से रह सकता है। लेकिन इसके बाद भी अगर अथॉरिटी को लगे कि कारण रिवील करना किसी खतरे का कारण बन सकता है तो आपको बिना कारण बताए भी डिटेंशन में रखा जा सकता है। फिर अगर कारण रिवील कर दिया गया उसके बाद ही वो शख्स स्टेट गवर्नमेंट के उस ऑर्डर के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन डाल सकता है। इसे ज़रा समझिए, जब कोई नॉर्मल सेक्शन के तहत आईपीसी सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार होता है तो 24 घंटे के अंदर उसे किसी मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस करना होता है। पर अगर कोई यूएपीए अपोआपा के अंदर डिटेन किया जाता है तो 10-12 दिन तक बिना किसी सुनवाई के डिटेन किया जा सकता है। और इस ऑर्डर का कोई बाउंडेशन या ज्यूरिडिक्शन भी फिक्स नहीं है। मतलब हर पुलिस स्टेशन का या हर अथॉरिटी की अपनी एक ज्यूरिडिक्शन होती है। से अगर दापोरिजो में कोई क्राइम कमिट हुआ हो तो वो केस दापोरिजो पुलिस की होगी। यहाँ आलो या जीरो पुलिस का कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा, उनका कोई रोल नहीं होगा। बट अपोआपा के केस में अगर किसी के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर निकल आता है तो वो कहीं से भी किसी भी हालत में गिरफ्तार किया जा सकता है। अब रिप्रेजेंटेशन के बाद उस रिप्रेजेंटेशन की सुनवाई के लिए राज्य सरकार एक एडवाइजरी कमेटी, एक एडवाइजरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेगी। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ अदालत का कोई किरदार नहीं है। एडवाइजरी बोर्ड कम से कम 3 मेंबर्स की होगी, हेडेड बाय अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, ड्यूली रिकमेंडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऐसे डिटेंशन के 3 हफ्ते के अंदर डिटेन करने वाले अथॉरिटी को बोर्ड के सामने वो सारे ग्राउंड्स प्लेस करने होंगे जिसके आधार पर उन्होंने किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को डिटेन किया हो। इसके अलावा अगर डिटेनी का भी कोई रिप्रेजेंटेशन है, मतलब मुलजिम का भी कोई रिप्रेजेंटेशन है, तो वो भी सबमिट की जाएगी। इसके बाद 7 हफ्तों के भीतर दोनों पक्ष को सुनने के बाद बोर्ड अपना रिपोर्ट अदालत को नहीं राज्य सरकार को सौंपेगी। इसमें ध्यान दीजिए, आमतौर पर अदालत में मुलजिमों को माने एक्यूज को उनके वकील रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ मुलजिम को एक्यूज को इन पर्सन सुना जाएगा। उन्हें कोई वकील रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, कोर्ट का कोई नामो निशान तक नहीं है। और बोर्ड अपने रिपोर्ट में स्पष्ट करेगी कि सच में इस डिटेंशन की ज़रूरत है या नहीं। अगर बोर्ड के अनुसार डिटेंशन की ज़रूरत है तो उसकी पीरियड भी राज्य सरकार ही डिसाइड करेगी। लेकिन अगर बोर्ड के अनुसार कोई डिटेंशन की ज़रूरत नहीं है तो तुरंत एक्यूज को रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन से पहले भी एक्यूज को, मुलजिम को विथ और विदाउट कंडीशंस रिहा कर सकती है। अगर रिहा किया गया इंडिविजुअल ऐसे तय किए गए कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो उन्हें ₹2,000 जुर्माने के साथ 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई किसी ऐसे इंडिविजुअल को गिरफ्तारी से बचने में मदद करता हो जिसे अपोआपा के तहत गिरफ्तार होना था, तो उस शख्स को भी कम से कम 3 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा के साथ ₹50,000 का जुर्माना लग सकता है। और ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने पहले कहा कोर्ट में चैलेंजेबल भी नहीं है। दीज एक्शंस कैनॉट बी क्वेश्चन्ड नीदर द अथॉरिटीज भी। इतने सख्त कानून के रहते जुर्म के परिंदे एक पर भी नहीं मार सकता, लेकिन क्या ऐसा है, क्या जुर्म नहीं होता? यह एक अहम सवाल है। दोस्तों मुझे लगा था कि मैं इस वीडियो में आपको अपोआपा और सेंट्रल यूएपीए को कंपेयर करके भी बताऊंगा, साथ ही मेरे अपने विचार भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये सब बातें अगले एपिसोड में करते हैं। और हाँ, उस एपिसोड में हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि कैपिटल डीसी तालो पोतम को अपोआपा के लिए ब्लेम करना सही रहेगा। फिलहाल आज के लिए यही रुकते हैं। अच्छा, जाते जाते वो जो सवाल था उसका जवाब दे जाता हूँ कि ऐसा कौन सा क्राइम है जिसे अटेंड करने पर सजा मिलती है पर कमिट कर दिया तो सजा से आप बच जाएंगे? सुसाइड, आत्महत्या कंसेप्ट है। अगर सुसाइड अटेम्प्ट में अगर आप बच गए तो आपको सजा होगी,
लेकिन अगर आप सुसाइड कर लेते हैं तो आपके आत्मा को सजा नहीं हो सकती। सो इट वॉज ए लैटर नोट। अगर वीडियो सही लगी तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, लोगों तक ये नॉलेज पहुंचनी चाहिए। एंड प्लीज डू कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।